नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल की। आपका रिजल्ट है वो पहले जारी कर दिया गया था, आप काफ़ी टाइम से इसके काउंसलिंग प्रोसेस की वेट कर रहे थे, तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका जारी कर दिया गया। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि जिन कैंडिडेट के रोल नंबर जो लिस्ट जारी की गई थी रिजल्ट की, तो उसमें अगर जिन कैंडिडेट के रोल नंबर हैं वो सभी कैंडिडेट बीएससी पैरामेडिकल एम्स की जो काउंसलिंग प्रोसेस है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें वो सभी कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनके रोल नंबर नहीं है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओपन राउंड में अगर सीटें वैकेंट रहती है तो वो उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको शेड्यूल फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का, साथ ही आपको अगर काउंसलिंग का कुछ भी नहीं पता है तो आप काउंसलिंग कहाँ से करवाएं या कौन से काउंसलर के पास में आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है कि सर कौन सा कोर्स फील करें या कौन सी कॉलेज चॉइस फील करें, मेरे मार्क्स इतने हैं तो मुझे कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं होता, क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस आपका कोर्स कौन सा मिल सकता है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग और आपको कॉलेज चॉइस कौन सी फील करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस करनी होती है। अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, अब इसमें आपको एक चीज़ में ये यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आपको सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एम्स के द्वारा ये इसी बार चेंज किया गया है, नहीं अगर विगत वर्षों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज चॉइस फिल करने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन इस बार आपको फर्स्ट राउंड में ही जो भी आप कॉलेज या जो भी कोर्स आप चूज करेंगे वही आपके फाइनल रहेंगे, वही आपके फर्स्ट राउंड में रहेंगे, वही आपके सेकंड में आपके वही कंटिन्यू रहेंगे, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप सोच समझ के, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा खासा स्कोर आने के बावजूद भी आप सीट लेने से वंचित रह जाएंगे अगर इन चीजों पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो फर्स्ट राउंड की जो आपकी कॉलेज चॉइस है वो आपकी 14/8/2023 से स्टार्ट हो जाएगी और 18/8/2023 तक आप अपनी कॉलेज चॉइस फील कर सकते हैं। इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो काउंसलिंग का पोर्टल है उसका अलग से दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल वो अलग रहता है, लेकिन एम्स के द्वारा जो काउंसलिंग का पोर्टल है वो डिफरेंट दिया जाता है। वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपको वहां पे आपके कोर्सेज आपके कॉलेजेस वो शो हो जाएगी, तो वो वहां से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग ही आप चूज करिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अलावा आपको बाकी चीज़ें मैं समय समय पर आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा वीडियोज़ में। अब नेक्स्ट आपकी अगर बात करें कि फर्स्ट राउंड का आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, तो फर्स्ट राउंड का 23 अगस्त को आपका फर्स्ट राउंड जो सीट एलोकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब आपको जैसे ही सीट एलोकेशन जारी किया जाएगा तो उसमें आपको ऑप्शन रहेगा 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना रहेगा। अगर आपको कॉलेज पसंद है कोर्स पसंद है तो वो आप एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं पसंद है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग की डेट वो भी आपको 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में दी गई है। तो फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट होता है वो एक्सेप्ट करेंगे या जिनको पसंद नहीं है वो रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपनी DD बनवा के आपको 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। अब यहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, DD कितने की बनेगी या जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो क्या होगा, अपनी जो फाइल है वो किस तरीके से तैयार करके लेके जानी, तो ये काफ़ी सारे डाउट होते हैं जो अधिकतर बच्चों के रहते हैं, तो ये डाउट आपके ना रहें, इसका भी आपको पहले से ही सॉल्यूशन करके जाना है। अब सेकंड राउंड की अगर बात करें तो सेकंड राउंड की आपकी 28/8/2023 तक आप रिपोर्टिंग करवा देंगे फर्स्ट राउंड की, तो सेकंड राउंड की आपकी जो सीट पोजीशन है कि फर्स्ट में इतनी सीटें फिल हो गई सेकेंड में कितनी बचेगी, वो लिस्ट आपकी 4/9/2023 को जारी की जाएगी। अब सेकेंड में आपको यहाँ पर चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट ही आपका सीट अलोकेशन सेकेंड राउंड 4/9/2023 को ही आपका जारी कर दिया जाएगा, और फिर आपका 5/9/2023 से 11/9/2023 के बीच में आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना रहेगा, और फिर आपका 5/9/2023 से 11/9/2023 के बीच में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें अपने डॉक्यूमेंट के साथ में अपनी एक प्रॉपर फाइल बना के लेके जानी है और DD बनवानी है, वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन आपको करवाना है उसके लिए प्रिपेयर होके जाना है,
और अपनी फीस के साथ में आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है। तो ये फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है कि सर हमें काउंसलिंग नहीं आती, किस तरीके से करवाएं, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें डर सा लग रहा है। तो उसका भी दोस्तों सॉल्यूशन है, आप मेरे द्वारा भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं बीएससी एम्स पैरामेडिकल की। तो उसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और जो लास्ट का आपका राउंड होगा, पूरे के पूरे जो कंप्लीट आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो मेरे द्वारा आपकी कंडक्ट की जाएगी। उसमें आपके सारे डाउट वो क्लियर किए जाएंगे। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको अपनी फाइल किस तरीके से बना के लेके जानी है, डीडी क्या रहेगी, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको कौन क्या क्या प्रिपरेशन करके जानी है, और कॉलेज चॉइस आपको कौन कौन सी फिल करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, वो सारी प्रोसेस मेरे द्वारा ही की जाएगी। और दोस्तों इसमें मैं 20 कैंडिडेट को ही कर पाऊँगा, क्योंकि 20 कैंडिडेट के बाद में मैं खुद करूँगा काउंसलिंग प्रोसेस, तो मैं इतने कैंडिडेट ही मैनेज कर पाऊँगा। तो अगर जो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उनकी काउंसलिंग प्रोसेस मेरे द्वारा की जाएगी, फिर 20 के बाद में दोस्तों मैं नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ें आप भी समझ सकते हो, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग में भी यही इशू हुआ था कि मैंने 20 कैंडिडेट के पहले रजिस्ट्रेशन लिए, फिर बाद में काफी सारे कैंडिडेट ने कहा कि सर हमारी भी कर दो। तो मैं अकेला ही हूं दोस्तों जो काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट करता हूं। तो आप जो इन कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन कर देंगे उनकी पहले जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर दी जाएगी। अब इसमें क्या क्या सर्विसेज दी जाएगी, तो कॉलेज आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कॉलेज या कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए बेटर रहेंगे वो फिल किए जाएंगे, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपकी जो भी चॉइस है, जो भी कोर्स है वो फिल किया जाएगा, रैंक का एनालिसिस किया जाएगा, सारी चीज़ें मेरे द्वारा खुद के द्वारा मैनेज की जाएगी। पिछले 4 से 5 सालों का अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी, और आपकी जो काउंसलिंग में जो भी डाउट हो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखने हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, अपने आपको किस तरीके से तैयार करना, अपनी फाइल किस तरीके से बना के लेके जानी है प्रोफेशनल वे में, तो वो सारी चीज़ें आपकी मेरे द्वारा ही कंप्लीट की जाएगी। अब आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो कंप्लीट करना रहेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ये बीएससी पैरामेडिकल जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसको आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी आपकी फिल करनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, और आपको जैसे बीएससी पैरामेडिकल एम्स बीएससी पैरामेडिकल यहाँ पे फिल करना है, रोल नंबर आपको यहाँ फिल करना है, और आपका जो कम्युनिकेशन के लिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक या आपके पास में टेलीग्राम का लिंक है तो वो आप यहाँ पे फिल करना है, फिर प्रोसीडेंट टू पे पे क्लिक करना है। ये जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक या टेलीग्राम प्रोफाइल लिंक है ये आपका कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि अगर कोई भी अपडेट आती है एम्स के द्वारा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दी जाती है, आपका ऑफर लेटर वगैरह या आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह वो आपको यहां पे सेंड कर दी जाती है। तो ये फिल करके आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको अपना पेमेंट कंफर्म करना है, आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, यहां से क्यूआर कोड से आप पे कर सकते हैं। फिर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यूपीआई मेथड दे रखे हैं, मोर पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आप इनमें से कोई भी पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट मेथड चूज करेंगे, आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपकी कंप्लीट डिटेल्स मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं आपकी जो भी प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर दूंगा। आप एनालिसिस करके आपके कॉलेज चॉइस या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारी मेरे द्वारा है आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कहेंगे सर हमारे पास पैसे नहीं, तो कोई इशू नहीं है, मैंने पहले वीडियोज़ बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, उन वीडियोज़ की हेल्प से आप खुद के द्वारा भी आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मैं केवल 20 कैंडिडेट की ही कर पाऊंगा, तो 20 कैंडिडेट से अगर ज़्यादा होते हैं तो वो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल करवा रखे विगत वर्षों के भी, पिछले 3 से 4 साल या 5 साल के वीडियोस है काउंसलिंग प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ से भी आप अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी बीएससी पैरामेडिकल की स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी शो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।